हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक लवर्स। और दोस्त, जेईई मेन ने अपने एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए हैं। अब आप लोग जाइए, अच्छे से अपना एग्जाम दीजिए। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना दोस्त, किस शिफ्ट में आपका एग्जाम पड़ रहा है। 4 अप्रैल से आपके एग्जाम दोस्त क्या हैं, स्टार्ट हैं। अब देखो, सबसे बड़ा सवाल बच्चे का आ रहा है कि भैया इस बार कट ऑफ क्या जाने वाली है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। बहुत गौर से देखना दोस्त, इस बार आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। कट ऑफ आपकी कोई भी हो, ये यूपी का बेस्ट काउंसलिंग चैनल है। 1000 ऑफ स्टूडेंट्स की लास्ट ईयर हमने काउंसलिंग करी थी दोस्त। हर काउंसलिंग में आपको सपोर्ट मिलेगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक है, सारे कोर्सेज मिलेंगे आपको। जोसा की काउंसलिंग, सीसेप, जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, HSTC हरियाणा, AK2 के अंदर पूरी काउंसलिंग, MP की, रीप राजस्थान की, सारी काउंसलिंग्स का दोस्त आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, सपोर्ट। आप अपनी रैंक का बेस्ट यूज कैसे कर पाओगे अगर आज की डेट में आपको आइडिया ना हो कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन सा बेस्ट कॉलेज मिल सकता है। तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है और मेरी टीम का नंबर है दोस्त, आप किसी से भी कॉन्टैक्ट करना, ये टीम आपको पूरे तरीके से गाइड करेगी कि कौन सा कॉलेज आपके रैंक के हिसाब से आपके लिए बेस्ट है। या अगर आपको स्टेट भी चेंज करना पड़े तब भी हम लोग आपको गाइड करेंगे कि आपको स्टेट कैसे चेंज करना है। एक बात बहुत याद रखना, इस बार 14 लाख के आसपास बच्चे दोस्त जेईई मेन का एग्जाम दिए हैं, तो कट ऑफ बड़ा शॉकिंग रहने वाला है। ठीक, शॉकिंग कट ऑफ रहने वाला है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, जनरल कैटेगरी से हो, तो मान के चलना आपको 90 से 92% तक आके आप एडवांस के लिए क्वालिफाई करोगे। बहुत गौर से देखना, एडवांस के लिए क्या करोगे आप लोग, क्वालिफाई करोगे। अगर आप EWS कैटेगरी से हो तो 78% से 80% अगर आपकी जेईई मेन में हुई तब आप IIT एडवांस के लिए क्या रहोगे दोस्त, एलिजिबल रहोगे। OBC के लिए 75 है, SC के लिए 55 है और ST के लिए 40 है। इसलिए कट ऑफ ज़्यादा है क्योंकि भाई आपके स्टूडेंट 14 लाख के आसपास हैं एग्जाम के अंदर, तो कट ऑफ तो जाहिर सी बात है दोस्त ज्यादा जाने वाली है। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे भैया शिफ्ट वाइज एनालिसिस बता दो, किस शिफ्ट में पेपर टफ आ सकता है। तो देखो, ऐसा कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। मैं अगर बता भी दूं आपको तो वो सही नहीं है, क्योंकि वो तो अनसर्टेनिटी है ना दोस्त, किसी को एग्जैक्ट पता नहीं है। हाँ, इन्होंने पिछली बार क्या किया था, जो स्टार्टिंग की 27 जनवरी वाली जो शिफ्ट थी, वो दोनों शिफ्ट इन्होंने बहुत आसान बना दी। तो इस बार भी मुझे ऐसा लग रहा है कि उसी लेवल की चीजें आप लोगों की होने वाली हैं। तो केयरफुल रहना, मेरी तरफ से, पूरी इनऑर्गेनिक लवर्स फैमिली की तरफ से आप लोगों के लिए ऑल द बेस्ट है। आप अपने एग्जाम को अच्छे से देना, केयरफुली पेपर पढ़ना। बाकी आपको कॉलेज दिलाने की गारंटी हमारी है। आपकी कोई भी परसेंटाइल आए दोस्त, ये चैनल आपकी हर तरीके से हेल्प करने वाला। लास्ट ईयर भी करी थी और इस बार भी करेगा आपके लिए, क्या बेस्ट NIT है, क्या बेस्ट IIIT है, कौन सी बेस्ट GFTI है। अगर मैं कहूँगा कि आपसे स्टेट के अंदर आ जाओ कि आपको चंडीगढ़ के अंदर अच्छा मिल सकता है, UIT पंजाब वाला कैंपस में अगर मुझे लगेगा कि आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है, IIT पंजाब मिल सकता है, इसका एवरेज पैकेज बहुत अच्छा है, उसके बाद AK2 में मुझे पता चला IIT लखनी, BIT झांसी, NIT सुल्तानपुर में आपको मिल सकता है, क्योंकि इनमें एवरेज पैकेज बहुत जबरदस्त है दोस्त। हाईएस्ट पैकेज 64 लाख, जामिया में आप लोग बैठ सकते हो। मतलब जो भी आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट होगा, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल पर गाइड करूंगा। और आपकी रैंक कब होगी तो प्राइवेट भी सजेस्ट करूंगा, किसी के साथ में टाई अप नहीं है, पर आप लोगों के लिए बेस्ट तरीके से बताऊंगा कि आपको प्राइवेट कॉलेज भी लेनी है तो कौन सी लेनी है। आपको मेरे इसी एप्लीकेशन पर एक कस्टम प्रोग्राम दिखेगा 99 का, उसको बाय कर लेना। मेरे साथ आपकी मीटिंग होगी, आपको अपनी रैंक का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करना है कंप्लीटली मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। तो मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।